लग मत करो, रहने लो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे। ऑल राइट, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर 4 months, we are heading out for a weekend ride. So it's been 4 months since me and my wife we rode together. Now we are doing it once again. धरो, इधर हाथे रखो तुम्हारे। चलो चलो, थक गया भाई। राइडिंग गियर पहनने का आदत अभी छूट गया था फॉर लास्ट 4 months. इट विल टेक सम टाइम फॉर मी टू गेट यूज्ड टू, बट इट फील्स गुड टू बी बैक. वी आर ऑलरेडी लेट बाय हाफ एन आवर, बट दैट्स फाइन बिकॉज टुडे इट्स गोना बी क्लाउडी. अभी थोड़ी देर में सनराइज हो जाएगा. आइडिया वाज टू लीव बिफोर सनराइज, बट वी कुड नॉट. दिस इज आवर यूजुअल स्पॉट. Alrighty, so Sunday rides are typical. You leave from your home, then you get onto your highway, then highway to destination, and that's what it is. And today's ride is going to be very simple because we don't have any adventurous thing. It's plain boring highway, but the place where we are going, lot of bikers come. Temperature is really nice and I just hope it stays that way. So that's the sunset for the day, sunrise for the day. sunset क्या अभी दिन ही शुरू हुआ है और sunset बोल दिया मैंने। तोबा तोबा तोबा। चले। So we are going to merge on to Devanahalli Hoshpate Expressway. This is one of the best expressway around Bangalore. और यहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा चलता है एंड टुडे वेदर इज़ सो चिली ड्यू टू रेन एंड स्टफ. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड अराउंड 40 किलोमीटर्स सो फार. सो दिस हाईवे विल स्ट्रेट अवे टेक अस टू द चिकबल्लापुर अनंतपुर रोड, बेसिकली जो हैदराबाद जाता है. फॉग जैसा लग रहा है ना एकदम. This highway also have one issue, and that issue is being it's too straight and it's too windy. So Mysore Road, or rather the Mysore Expressway जब शुरू हुआ था, so there were a lot of accidents that were happening, and that was due to the straight, arrow straight road. Similar case with this expressway as well. That you'll have to remember is that in this highway at least you'll have some स्पीड कैमराज. वो जो कैमरा है ना उससे थोड़ा बच के रहियो बिकॉज दैट विल रजिस्टर योर स्पीड एंड आपका चलान आपका सीधा घर पे आएगा बेस्ड ऑन योर नंबर प्लेट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एक्सप्रेसवे दैट दे हैव बिल्ड. इसका वजह से बहुत सारे ट्रक ट्रैफिक का लोड जो बेंगलोर के ऊपर पड़ता था वो अभी नहीं है. सो दैट्स गुड थिंग. हो गया इस हाईवे का मज़ा ख़त्म. नाउ विल हैव टू गो टूवर्ड्स नंदी हिल्स वाला रास्ता. तो यहाँ से को लेना पड़ेगा एग्ज़िट. इधर खा लेते हैं. Alright, so we are about to cross the border between Karnataka and Andhra Pradesh. And Andhra Pradesh में पेट्रोल का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू कर्नाटका. Another 44 kilometers left, 46 minutes लगेगा. So I'm looking for घाट सेक्शन today. घाट सेक्शन में with pillion डोमिनार कैसा फील करता है that I need to check. The only thing is that डोमिनार is top heavy machine. आपको बहुत ज़्यादा careful होना है when you take turns, नहीं तो बाइक गिर सकता है. One of the best part about डोमिनार is the way it maintains its lane ऑन दी हाईवे. मतलब हाईवे का तो ये बाइक पूरा राजा है भाई. हाईवे में एकदम चिपक के चलता है एंड इट गिव्स यू दैट कॉन्फिडेंस कि आप 110 120 में हो और अगर ज़्यादा क्रॉस विंड भी है तो यू विल नॉट लूज़ कॉन्फिडेंस। मीटियोर में भी नहीं होता था ऐसा, मीटियोर भी हाईवे में बहुत ज़्यादा स्टेबल है। सो बोथ द बाइक्स दे आर वेरी गुड फॉर हाईवे। इंटरस्टेट इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट। वाला रास्ता है जिसके लिए फेमस है ये प्लेस। ये ऊपर से दिखता है ये वाला रूट। What is it? So there is absolutely nothing, but the best part is that no one is here. Oh, I can see a temple, dude. दिस इज़ द मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर दिस प्लेस। अभी हम जा रहे हैं रिटर्न। लगता है बारिश होगा, बारिश होने वाला है ब्रो। उधर देखो क्लाउड, सामने नहीं दिख रहा है क्या? अरे बारिश होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रेनकोट है। सो दैट्स इट फॉर दिस प्लेस, वी आर गोइंग बैक नाउ। सो दिस इज़ द वैली एंड यहाँ पर बहुत अच्छा हवा चल रहा है। दैट्स कार्तिक। यहाँ पर इंजन ऑफ कर देता हूँ और ऐसे शांति से चलो, कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लिसन टू द साउंड ऑफ विंड।